बहुत से लोगों का ये जो पेआउट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पेज रिकमेंडेशन और नीचे में पेआउट्स लिखा हुआ है ना, मोनेटाइजेशन, यहाँ बीच में देखिए गौर से, तो बहुत से लोगों का ना मतलब ये नहीं दिखाई दे रहा है पेज पर भी और प्रोफाइल पर भी। मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले वो मेरा दूसरा पेज था, ये मेरा दूसरा पेज है जिस पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रोफाइल में भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देख लीजिए पेज हैज सम इश्यूज का ऑप्शन भी आया हुआ है और भी कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आने के बाद पेज हैज सम इशू का ऑप्शन ऊपर में लिखा हुआ है ना भाई, तो बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि उनका पेज हैक हो गया है या फिर पेज में क्या प्रॉब्लम हो गया भाई। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पेज पे आया हुआ है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि घबराने की बात है या नहीं है, ठीक है। गुड न्यूज़, नो वायलेशन टू शो, ठीक है, नहीं है कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पेज इज़ रिकमेंडेबल, यहाँ पे भी आपको चेक कर लेना है भाई, ठीक है, कि आपका पेज रिकमेंडेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिकमेंडेबल मेरा पेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पेज स्टेटस का ऑप्शन था, इसके ऊपर जरूर क्लिक करें और क्लिक करके चेक करें कि यहाँ पे आपका ग्रीन है कि नहीं है। सबसे पहले तो मेरा ग्रीन है, आपने देखा यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रेड नहीं है, अगर रेड होता तो खतरा था, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ भी रहता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए मोनेटाइजेशन स्टेटस, वेल डन, यू आर एबल टू अर्न मनी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मेरे टूल्स भी हैं और जो एक रिव्यू में गया है वो अलग मसला है, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने सब कुछ दिखा दिया है, हर तरीके से चेक करके मैंने आपको दिखा दिया। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर मैं फिर से आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पेज हैज सम इशू का जो ऑप्शन है ना भाई, इसके ऊपर से मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा था हल्का, तो मुझे पे आउट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। बहुत से लोगों का पे आउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे पेज हैज सम इश्यूज का जो ऑप्शन है, तो मुझे लगा भाई कहीं पेज पे कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हो गया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, तो मैं पूरा चेक करने लग गया भाई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटर सपोर्ट का भी ऑप्शन है, वहाँ भी जाएंगे। सबसे पहले हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे में सेटिंग्स है, तो हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना। सिंपली सपोर्ट इनबॉक्स का जो ऑप्शन था इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद योर अलर्ट्स का जो ऑप्शन है ना भाई, यहाँ पर देख लेना है कुछ भी नहीं है, ठीक है, ग्रीन टिक लगा हुआ है। यहाँ पर रिपोर्ट्स पर भी देख लेना, यहाँ भी ग्रीन टिक लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों मेरा सही है भाई। इसका मतलब ये है कि पेज में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ रिकमेंडेबल भी है और पेज हैक भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्लिक करें क्रिएटर एंड सपोर्ट में, मोनेटाइजेशन के ऊपर सिंपली आना, यहाँ पे देखना आपको पेआउट्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए जो पेआउट्स का ऑप्शन जो वहाँ पे नहीं दिख रहा था टूल्स वाले ऑप्शन में, जो हल्का स्क्रॉल कर रहा था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जितना भी मैंने अर्निंग किया वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ से नहीं दिखाई दे रहा फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से आना है इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी था। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे भी दिखा दिया आपको, सब कुछ दिखा दिया लगभग। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और फॉलो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। और आपको पता चल गया होगा क्लियर यहाँ पे कि कोई दिक्कत नहीं था, हैक नहीं हुआ आपका पैसा, सब कुछ सही है। अगर जैसा मैंने चेक किया इस टाइप का है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पे आउट क्यों नहीं शो कर रहा भाई वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो मेरा पेज दूसरा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, याद रखिएगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिख रहा है, पे आउट्स का भी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन पेज में नहीं दिख रहा है, प्रोफाइल में भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दिख क्यों नहीं रहा है वो मैं बताऊँगा अभी। सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आ गए क्लिक करके, अभी तो आपको पता चल गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैक वगैरह नहीं हुआ है। अब यहाँ पे पेआउट्स पे क्लिक करते हैं, ये मेरा दूसरा पेज है, ठीक है, हालांकि पेआउट सबका मतलब सेम ही है, ये अलग बात है, इसको बाद में बताएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेआउट में अभी तक कुछ ऐड नहीं हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बगल में ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है, पेआउट वाले ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, जिस पेज में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, जिस पेज में प्रॉब्लम आया उसमें भी दिखाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेआउट्स नहीं दिख रहा है ना, तो वो मेन बात है, इस पेज में दिख रहा है और जिसमें प्रॉब्लम आया हुआ है उसमें नहीं दिख रहा है। बहुत से लोगों के साथ यही प्रॉब्लम, पेआउट्स क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने पेआउट भी दिखाया तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट पेआउट जो है यहाँ पे अभी तक ऐड वगैरह नहीं हुआ, शायद इसलिए नहीं यहाँ पे मतलब शो कर रहा है, ठीक है भाई, मुझे जहाँ तक लगता है। तो यहाँ पर मैं अब दूसरे पेज में जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक किया, पेज हैज सम इश्यूज का प्रॉब्लम भी है इसमें, और यहाँ पर जब मैं नीचे स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर
दिख भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पेआउट है वो अगर ऐड होता है तो शायद यहाँ पे शो हो जाए, अगर हो जाए तो मैं दिखा दूंगा। देख लो इस मंथ में मतलब ज़्यादा नहीं बना पाया, इतना ही बना क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया है भाई अच्छे से, सच बता रहा हूँ। और थोड़ा रीच भी हल्का डाउन हुआ था क्योंकि प्रॉब्लम आया था ना इस पेज पर, तभी तो है यहाँ पर दिक्कत। तो हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, डॉलर कम है शायद और पेआउट नेक्स्ट पेआउट वगैरह ऐड नहीं हुआ उसके कारण से, मतलब मुझे लगता है ऐसा। बाकी जैसा भी रहेगा वो मैं आप लोग से शेयर करूँगा। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो प्रोफाइल है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये मेरा प्रोफाइल है ठीक है, इसमें भी वही प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्या है, प्रोफाइल है सम इशूज का ऑप्शन है यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं दिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, जिस तरीके से वहाँ पे टूल्स दिख रहा था नहीं दिख रहा है ठीक है। मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे वो सारा चीज़ है जो अभी तक मतलब मुझे नहीं मिला क्योंकि इसमें मैं काम ही नहीं करता। तो यहाँ पे अब आपके मन में एक और सवाल भी आता होगा कि भाई पेज में जब प्रॉब्लम था तो प्रॉब्लम है सम इश्यूज यहाँ पे प्रोफाइल पे क्यों शो कर रहा है भाई। तो देखो एक तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा ठीक है। ये जो प्रोफाइल है वो समझ लो माँ है ठीक है, और जितना भी इसमें हम लोग पेज वगैरह क्रिएट किए हैं ना वो तो प्रोफाइल में ही क्रिएट किए हैं। तो अगर किसी पेज में कुछ गलती होता है ना भाई तो समझ लो माँ को पता चल जाता है, प्रोफाइल को पता चल जाता है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलता है थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।